बनो भाइयों, आज आप महेंद्र कपूर को सुनते हैं, उनके गानों का मजा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 30 बरस पहले सबको पता लग गया था, यानी जिन जिन लोगों ने उनको सुना था उनको पता लग गया था कि महेंद्र कपूर कितने जबरदस्त, कितने बड़े गायक बनने वाले हैं। महेंद्र, वो कॉलेज कौन सा था जिसमें हम दोनों पढ़ा करते थे? वो था सेंट जेवियर्स कॉलेज। इतना तुम शर्माओगे तो लोग आवाज ही नहीं सुनेंगे, सिर्फ गाती हुई आवाज सुनेंगे। अभी भाई वो सेंट जेवियर्स कॉलेज था। ये बात है। अच्छा, वहां तुम्हें याद है कोई फंक्शन कॉलेज का पूरा नहीं होता था, अधूरा ही रहता था जब तक तुम्हारा गाना उसमें नहीं हुआ करता था, है? और मुझे याद है एक गाना तुम हमेशा गाया करते थे, और वो जब गाना तुम गाते थे तो हम सब कॉलेज के विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें जो हैं वो ज़रा तेज़ हो जाया करती थीं, और हम अपने अपने रोमांस के बारे में सोचकर वो गाना सुना करते थे। हैं, वो कौन सा गाना था? रफ़ी साहब का गाया हुआ, खयाम की धुन थी उसमें, हैं? याद है तुम्हें गाना? अच्छा, अगर याद हो तो ज़रा गुनगुना तो दो। मतलब अपनी भाभी के लिए गाऊं? भाई, तुम जिसके लिए गाना चाहो गाओ। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा कर मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। वाह 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 वा। अच्छा, एक बात और बताऊं इस गाने के बारे में बहनों और भाइयों, जब ये गाना महेंद्र कपूर स्टेज पर गाते थे ना, तो लड़के तो बिल्कुल टूब कर पागल होकर सुना करते थे, और लड़कियां आंखें बंद करके सुना करती थी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ल सूरत तुम्हारी कुछ खराब थी, बहुत अच्छी थी, तब भी बहुत अच्छी थी। अब उस जमाने में तो क्या बताऊं यार, वो जवानी का तेज झलका करता था तुम्हारे चेहरे से। क्या बात है? तेज और तेल? तेल नहीं, तेज, तेज। अच्छा, तो भाई एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, वो ये कि बहनों भाइयों, महेंद्र कपूर कॉलेज के जमाने में न सिर्फ गाया करते थे बल्कि एक और क्षेत्र था जिसमें ये काफी धूम मचाया करते थे। महेंद्र जी, ये कौन सा क्षेत्र था जरा बताओ। मुझे पता नहीं अमीन भाई, आप बताइए। अच्छा, मैं बता दूं। बहनों और भाइयों और बच्चों, महेंद्र कपूर साहब स्टेज पर बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया करते थे और बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। जी हाँ, आप इनको देखकर पता नहीं चलता, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे। और साहब, खास तौर पर एक ड्रामा ऐसा था जिसमें कि महेंद्र कपूर ने छुट्टी कर दी थी सबकी, यानी देखने वालों की नहीं, वो बाकी कलाकारों की, और देखने वाले तो बिल्कुल लोटपोट हो गए थे। और उसके बाद महेंद्र कपूर का नाम सारे कॉलेज में गूंज उठा था। अमीन भाई, ये तो चेला तो आपका ही था ना? नहीं भाई, मैंने जो जो जिस बारे में मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसमें तो मेरे चेले नहीं थे। वो हुआ ये बहन और भाइयों कि काफी जोरदार कॉमेडी चल रही थी और महेंद्र कपूर साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे उस ड्रामे में, और धोती पहन कर आए हुए थे स्टेज पर, और इतनी उछल कूद की इन्होंने कि इनकी धोती जो है वो छूट गई। याद है भाई वो है? तो भाई उसी कॉलेज के जमाने को याद करते हुए, वो हंगामे, वो खूबसूरतियाँ, वो छेड़छाड़, वो छोटे छोटे रोमांसेस, इन सब को याद करते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा गाना गा दो, लव सॉन्ग। कल क्यों आई तेरी याद रानी, हाँ मुझे बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा लगा, सोया हुआ दर्द फिर ऐसा जागा, हाँ ऐसा जागा रानी आई याद, तो तू भी आ जा रानी, मेरा तो सारा संसार हो तुम ही रानी, मेरे मौसम पर बहार हो तुम्ही, कहाँ गए वो दिन सुहाने, बीते हुए वो दिन पुराने रानी।
आई याद तो तू भी आ जा रानी, तुम्हारे बिना अच्छा ना लगे रानी, सपना कोई भी सच्चा ना लगे, चलो ढूंढे ये प्रेम तराने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आ जा से कभी ये भूल की थी रानी, आज लगता है फजूल की थी, चलो ढूंढे गुजरे जमाने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आ जा।